हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज आपका गेम गॉड आपके लिए एक वीडियो लेके आया है जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। जी हाँ, इन्फॉर्मेशनल वीडियो। अभी आप लोग यही सोच रहे होगे कि भाई इन्फॉर्मेशनल वीडियो किसके लिए? उन यूट्यूबर्स के लिए जो मतलब बोलते हैं ना कि जो हमारी तरह हैं, जो छोटे तो नहीं बोलूँगा बट जो अभी अभी जिन्होंने अपना रास्ता देखना चालू किया है यूट्यूब में। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो दो भाइयों के बीच में चालू है लड़ाई झगड़ा जो भी चालू है उसमें आप ना फंसें। अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो तो उनको बस सपोर्ट करिए। अगर आप उनके खिलाफ़ वीडियो बना के डाल रहे हैं अपोजिट साइड के हिसाब से, तो आप अपने चैनल का ध्यान रखिए, क्योंकि आपके चैनल पर का कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मालूम है तो प्लीज़ जाके एक बार ज़रा रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद ही कोई वीडियो अपलोड करिए। मैं ये दोनों साइड में जो सपोर्टर्स हैं दोनों को बोल रहा हूँ कि वो दोनों भी कुछ ना कुछ वीडियो डाल रहे हैं जो उनके सपोर्टर्स यूट्यूबर है जो हमारी तरह है, जिनके 1 या 2 या 3 हज़ार सब्सक्राइबर है। तो प्लीज़ जाके रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लीजिए। अब दूसरी बात ये रही कि मैंने कुछ कुछ वीडियो में, बहुत सारे वीडियोज़ में देखा है कि बिल्ली मौसी का इस्तेमाल किया गया है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बता दूँ, ना तो आप लोगों ने कहीं मेंशन किया गया है क्रेडिट्स में कि वो गेम का नाम क्या है, आप लोगों को किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, आप लोगों ने काय के लिए उसको यूज़ किया है। और सेकेंड चीज़ ये कि आप लोगों ने कहीं पे भी ये चीज़ नहीं बताई है कि दिस वीडियो इज़ नॉट हार्मफुल फॉर एनीवन, दिस वीडियो इज़ मेड ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़, ये भी आप लोगों ने नहीं बताया है। और बिल्ली मौसी के मुँह से जो भी गाली निकाल रहा है ये दोनों साइड से, एक साइड से नहीं है। मैं क्लियर कर दूँ, ना तो मैं किसी का सपोर्टर हूँ, ना तो मैं इनका सपोर्टर हूँ, ना तो मैं इनका सपोर्टर हूँ, कुछ नहीं हूँ। जो बिल्ली मौसी के मुँह से जो गाली निकाल रहा है शायद से वो बिल जो भी हो, गेम का नाम तो मुझे भी नहीं मालूम, मैं खेलता था पहले, अभी नहीं खेलता। तो प्लीज़ अगर आपने वीडियो ऐसा बनाया है तो जाके प्लीज़ उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एडिट करके उनको क्रेडिट्स दे दीजिए, वरना फिर आप बुरा फंसेंगे क्योंकि आपने कुछ नहीं लिखा है। और दूसरी बात रही गाली देने की, तो यूट्यूब में मैं आपको बता दूँ 2016-2017 तक ये सब मायने नहीं रखता था, बट अब जब यूट्यूब स्ट्रिक्ट हुआ है तो वो ये सब मायने रखता है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, मेरे दोस्त का चैनल था, उसके बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स थे, उसने 3-4 दिन लगातार गाली दी और उसका चैनल को स्ट्राइक लग गई। मैं पहले बता दूँ क्लेम या स्ट्राइक दोनों से कुछ तो लगी थी। अब ये क्लेम और स्ट्राइक इसको कोई नहीं हटा सकता, ठीक है। अगर आपका कोई जिसको आप सपोर्ट कर दो, कोई समझो कि मैं किसी को सपोर्ट करूँ, उसने बोला भाई तू वीडियो डाल, मैं देखता था भाई पीछे बैठा है ना कौन तेरे पे लगाता है, तो पहले मैं एक चीज़ बोलूँ, जो ये चीज़ बोल रहा है पहले वो खुद को भी देखे कि भाई उसका चैनल क्लीन है कि नहीं। या मैं दोनों साइड को बोल रहा हूँ, एक साइड को नहीं, पहले खुद को देखें कि उसका चैनल क्लीन है कि नहीं। अगर उसका चैनल क्लीन नहीं है तो अगर वो सामने वाले को बोलेगा भी तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो प्लीज़ गाइस इस चीज़ को देखिए और समझिए कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है यूट्यूब के। स्वेयरिंग इज़ नॉट अलाउड ऑन यूट्यूब, जहाँ तक कि आप लोग को मालूम है। स्वेयरिंग एंड सेक्शुअल अब्यूजल कंटेंट इज़ प्रोहिबिटेड ऑन यूट्यूब। अगर आप लोग को हिंदी में समझ में नहीं आया तो मैं इंग्लिश में समझ में नहीं आया तो मैं हिंदी में नहीं समझा रहा, क्योंकि हिंदी में बहुत ही गलत मतलब होगा। मैं आप लोग की तरह नीचे गिरना नहीं चाहता हूं, जिस तरह आप लोग वीडियो बना रहे हो एक दूसरे के सपोर्टर्स यूट्यूबर बना रहे, उन लोगों का तो कुछ लेना देना नहीं है, बस उन लोग एक ही चीज़ लिख रहे थैंक्स फॉर सपोर्ट, मेरा सपोर्ट करो, ये करो वो करो। तो प्लीज़ यार मत करो ये चीज़। अपने जो भी दोस्त है आपके यूट्यूबर जिनको आप बोल के उनके कंधे पर रख के गोली चला रहे हो तो वो चीज़ मत करो, उनको शायद से इशू होगा, उनके सब्सक्राइबर्स, उनके मैंने नीचे कमेंट भी पढ़े हैं कि उनके वीडियोस पे भाई आप ये सब मत पढ़ो, ये सब उनके चोचले हैं, उनके पास ही रहने दो। तो प्लीज़ आप लोग अपने सब्सक्राइबर्स की अगर रिस्पेक्ट करते हो, अगर अपने सब्सक्राइबर्स को प्यार करते हो, प्लीज़ उनकी बात सुनो। कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो भड़काने की कोशिश करेंगे, कुछ है जो आपको अच्छी नीयत में देखेंगे, क्योंकि मैंने कुछ लोगों के इसमें कमेंट पाया कि आप इसमें इन्वॉल्व मत हो, आप ये क्यों कर रहे हो, वो दोनों को कहने दो, आप क्यों कर रहे हो, आपके सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छा नहीं है, हमें मालूम है कौन सही है कौन गलत है। तो प्लीज़ अपने सब्सक्राइबर्स की बात सुनो, ये वीडियो डाल के आप इसके सपोर्टर हो व्यूज़ लोगे इनसे, आप इसके सपोर्टर हो इनसे व्यूज़ लोगे, तो प्लीज़ वो मत करो, आपके चैनल के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं बस आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, प्लीज़ जिसने भी ऐसा कुछ भी वीडियो अपलोड किया है सबसे पहले तो जाके क्रेडिट्स दे दो उस वीडियो को जो भी आप लोग ने किया है, और प्लीज़ प्लस उसके लिए नीचे ये लिख दो कि दिस वीडियो इज़ मेड फॉर ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़, और किसी पर्पज़ में तो आप लोगों ने कुछ नहीं लिखा है। मैंने सबके वीडियोस चेक किए इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोग ये वीडियो को देख रहे हो या तो वीडियो को डिलीट कर दो, या तो कुछ ऐसा करो उनको क्रेडिट्स दो, बिल्ली मौसी को या जो भी है जिसने भी जो भी इस्तेमाल किया डिस्कॉर्ड व्हाट्सएप जो भी, प्लीज़ वो चीज़ करो, ठीक है। और कुछ नहीं बोलूँगा, अपने यूट्यूब चैनल का ध्यान रखो एंड अपने सब्सक्राइबर्स की बात सुना करो, किसी दूसरे यूट्यूबर की बात मत सुनो, पहले उसका खुद अंदर झाँक के देख लो क्या वो क्लीन है यूट्यूब से, क्या उसको कभी भी एक स्ट्राइक भी नहीं लगी या क्लेम भी नहीं लगा है, तब उनकी बात सुना करो, ठीक है। और मेरे को मालूम है कि ये वीडियो बोलने के बाद भाई
इधर सपोर्टर्स वाले ये बोलेंगे कि भाई तू इसके सपोर्ट में है, इधर सपोर्टर्स वाले ये बोलेंगे तो ये इसके सपोर्ट में, भाई मैं बोल दूँ मैं अकेला चलता हूँ, ना तो मैं इसके सपोर्ट में हूँ ना तो मैं इसके सपोर्ट, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने देखा कि हाँ भाई ये छोटे यूट्यूबर्स गलत कर रहे हैं, इन लोगों ने कुछ क्रेडिट्स नहीं दिया इसलिए मैं बोलने आया। जैसे कि एक यूट्यूबर का दूसरे यूट्यूबर के लिए फ़र्ज़ बनता है, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ जाके यूट्यूबर क्रिएटर या जिसमें भी आप लोग को देखना है YouTube की पॉलिसीज़ जाके देख लो, गाइडलाइन पॉलिसीज़ आप लोग को मालूम पड़ जाएगी। और हाँ भाई अगर कोई मुझे आके बोलेगा ना भाई तूने इसको सपोर्ट किया, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा भाई अकेला चलता हूँ, हाँ 2 बार ज़रूर मेरे चैनल पे रेड आई है जिसकी वजह से मुझे 300 सब्सक्राइबर्स मिले हैं, बाकी जो भी किया है मैंने खुद ने किया है, तो यार अकेला शेर हूँ ठीक है, सामने आओगे तो खा भी जाऊँगा भले आप कहीं के भी क्यों ना हो, भले आप इधर साइड के हो या इधर साइड के हो। थैंक यू सो मच।